फ्रेश न्यूज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं स्वाति और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर विस्तार से। फतेहपुर में अमित शाह ने आई हुई जनसभा को अत्यंत खुशमिजाज ढंग से संबोधित करते हुए कहा कि मैं फतेहपुर की धरती पर आई हुई विशाल जनसभा से जोरदार भारत माता की जय घोष के साथ मोदी सरकार की विशेषताओं को बताना चाहता हूँ। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल कसने का काम किया है, इसलिए महागठबंधन देश का तड़फड़ा रहा है। फतेहपुर से हमारे संवाददाता शौर कुमार तिवारी की रिपोर्ट। जो कभी स्वास्थ्य का अपना इलाज नहीं करा वो 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों में आपको बता 70 साल लोगों ने राष्ट्र की आजादी का 70 साल से ज्यादा समय होगा। 55 साल तक एक कांग्रेस ने शासन किया, राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने शासन किया, यूपी में 25 साल तक कुआ भतीजा इन लोगों ने शासन किया। मगर जब गरीब के घर में बीमारी आती थी, बेटा अपने बूढ़े बाप को लेकर अस्पताल जाता था, कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, तीसरे दिन जब बिल आता था बाप भी बेचारा कहता था बेटा मैं तो बीमारी से मरूंगा, मेरे पीछे तेरा परिवार लोन के बोझ के तले दब कर मर जाएगा, घर पे ले जा जो भगवान ने चाहा होगा। और मजबूर बेटा आंख में आंसू और दिल में दुख लिए हुए बाप को घर ले जाता था और मरता हुआ देखता रहता था। मित्रों आप नरेंद्र मोदी सर नमस्कार। श्रवण कुमार तिवारी फातिमा इंडिया फतेहपुर। आप देख रहे हैं कि मैं इस समय एमजी कॉलेज के इस विशाल मैदान पे खड़ा हूं और यहां पर आज माननीय अमित शाह जी की एक भव्य जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी वो अमित शाह जी स्वयं मंच पर खड़े होकर के आई हुई जनता को संबोधित करने का काम कर रही है। और इसी बीच मैं जो उपस्थित ये जनमानस है उन्हीं में से कुछ प्रबुद्धों से उनके विचारों को लेने का काम कर रहा हूँ। महोदय जी, आप अपना परिचय देते हुए बताने का कष्ट करें, अब की बार किसकी सरकार? मैं मोदी की सरकार। आपका क्या नाम है? मैं जनपद फतेहपुर का रहने वाला हूँ, आत्मा श्री स्वर्गीय राम बिहारी है, बंसराज साहू ग्राम आया का रहने वाला हूँ। जी जी, आज जो है मोदी सरकार की बनने वाली विश्वास है ये मोदी सरकार बनेगी और हमारा जनमानस मनमानस तक जो है आत्मिकता से मोदी सरकार की जय घोषणा कर रही है और मोदी सरकार बनेगी अब बनेगी अब बनने रहेगी। अच्छा अच्छा, क्या कोई काट करने वाला नहीं है? जी 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 जी, और क्या कहना चाहते हैं? और मैं ये कहना चाहता हूँ जब तक नरेंद्र मोदी परिचित है और हमारे अमित शाह जी रहे और इस भारतीय जनता पार्टी सदैव के लिए अमर रहे, धन्यवाद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अच्छा अच्छा अच्छा, और श्रीमान जी आपका क्या परिचय है? मेरा दिलीप कुमार शुक्ला है। जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये चुनिया पड़ता है। क्या कहना चाहते हैं आप? मोदी जी हैं। जी जी, भारत में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं जी, और उनसे बहुत सी आशाएं छुपी हुई। जी जी, मोदी जी के और जो बीजेपी पार्टी है जी, ये अभी कुछ मोदी जी देश को बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत आगे ले जाएंगे। जी जी, जो कभी कोई सोचा और ना समझा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बुलंदी पे भारत जाएगा आने वाले समय में। जी जी, ये ऐसा आपका मानना है? ये पूर्ण विश्वास है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप श्रीमान जी क्या कहना चाहते हैं? अपना विचार व्यक्त करिए जरा। मोदी है तो सब। क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? मोदी है तो सब मुमकिन, हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा अच्छा, मोदी है तो सब मोदी। अच्छा अच्छा, जी 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 जी, इधर। हाँ श्रीमान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब आप बताइए क्या कहें, जनमानस है आपको दिख रहा है और राष्ट्र हित में केवल राष्ट्र हित में माननीय मोदी सरकार बनाने, प्रत्याशी को नहीं देखना, केवल ये देखना है। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? मोदी जी बनता ना। क्या शुभ नाम है आपका? आनंद मिश्रा नाम। कहाँ के रहने वाले? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मानना है आपको मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में मानना है
जी अच्छा 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 जी जी सारी योजनाएं मोदी ये देख रहे हैं आप कितने सुंदर विचार हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी फास्ट न्यूज इंडिया फतेहपुर नमस्कार। फतेहपुर में सदर अस्पताल में आज डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सीनियर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिनकी देखभाल में प्रमोद कुमार पुत्र श्रवण कुमार पांडे हुसैनगंज थाना क्षेत्र खुरहट के पास के रहने वाले हैं, जिनके छोटे से 8-9 साल के बालक का हाथ सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण टूट गया था, जिसे 18 दिन भर्ती रखा गया और 25 दिन इलाज चला, लेकिन बच्चे का हाथ जो का त्यों बना हुआ है, उसमें कोई सुधार नहीं है। फतेहपुर से हमारे संवाददाता श्रवण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। तिवारी फास्ट न्यूज इंडिया फतेहपुर, आप देख रहे हैं कि मैं समय सदर अस्पताल जनपद फतेहपुर में पीएमपी इंडिया न्यूज राम जी के साथ खड़ा हूं, और ये छोटा सा नन्हा सा बालक हमारे कैमरे की नजर में दिख रहा है। इसका ये हाथ देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी ये फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। इसका ये स्क्रैच देख रहे हैं आप, इस तरीके से किस तरीके से ये अभी भी फ्रैक्चर्ड दिखाई दे रहा है, और इसका इलाज मैं जानना चाहूंगा। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा प्रमोद, पढ़ते हो किस कक्षा में? कक्षा 4 में पढ़ते हो, किस विद्यालय में पढ़ते हो? गोपाल। स्कूल का क्या नाम है? गोपाल। अच्छा तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? गोपालपुर के। अच्छा तुम्हारे साथ मम्मी पापा कोई आए हैं? कहाँ तुम्हारे मम्मी पापा? अच्छा ये तुम्हारे माता पिता हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये इस बालक के माता पिता हैं, और मैं इनकी आप बीती अपनी जुबानी लेने का काम कर रहा हूँ। श्रीमान जी आपका शुभ नाम क्या है? जी श्रवण पांडे। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर है। अच्छा अच्छा, किस थाने के अंतर्गत है? हुसैनगंज थाना पड़ता है। अच्छा ये बालक आपका कैसे क्षतिग्रस्त हुआ? सर ये बालक हमारा जो है अचानक सीढ़ियों से गिर गया। अच्छा अच्छा, और इसको हम लेकर के स्वास्थ्य केंद्र हुसैनगंज। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? हुसैनगंज में डॉक्टरों ने रिफर कर दिया फतेहपुर सदर। जी जी, हम सदर में आए 25 दिन से बच्चे के लिए पड़े हैं। अच्छा अच्छा, और आज काल डाला बताते किस डॉक्टर ने आपके बच्चे का इलाज किया? हमारे बच्चे का पहले संतोष ने देखा। ये संतोष कौन है, कहाँ का है? ये संतोष डॉक्टर यही बैठते हैं वो कमरे में, मतलब यही सदर अस्पताल के डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? आज सुधीर ने इस केस को लिया। अच्छा अच्छा, सुधीर ने 15 दिन तक देखा। अच्छा अच्छा, 15 दिन के बाद ये हम 16 दिन आए तो इनको पता लगा कि वो बीमार है, वो कहीं एडमिट है, लखनऊ चले। जी जी जी, हमने रोज जाते थे किराया भाड़ा लगा के ये बैठते नहीं। अच्छा, हमने लोगों से पता किया कि इनका फोन नंबर है, तो लोगों ने बताया कि इनका फोन नंबर जो है वो इमरजेंसी रूम में पता करिए, इनका नंबर मिल जाए। जी जी, इनका नंबर हमने पता किया और इनका फोन लगाया, तो इन्होंने हमारा फोन एक बार भी रिसीव नहीं किया। जी जी जी, इसके बाद आज 15 दिन में उनके इलाज से आपको कैसा लग रहा है? उनके इलाज से हमको एक नया पैसा फायदा नहीं हुआ, मेरे बच्चे कहाँ उसी तरीके है जैसे टूटा। जी जी, आप देख रहे हैं कि ये पांडे जी अपने बच्चे की जिंदगी के पीछे कितना तबाही के मंजर से गुजरने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जो कि यही सदर अस्पताल जनपद फतेहपुर के हैं और सीनियर डॉक्टरों में हैं, लेकिन उनकी लापरवाही कहें या उनकी अपनी मजबूरी कहें, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये बेचारा बालक घर के कपड़े से अपने हाथ को सहारा दे करके आज बैठा हुआ है। यहाँ सदर अस्पताल से एक पट्टी भी नहीं इसको लगाई जा सकी है अभी तक, और जो इसके पहले प्लास्टर हुआ था, दो बार कच्चा प्लास्टर किया था। हाँ, दो सौ रुपए मुझसे लिया और कहा कि पक्का प्लास्टर कर दे। आप देख रहे हैं, ₹200 लेने के बाद कच्चे प्लास्टर में ₹200 लिया, और फिर भी पैसा किसने लिया? सुधीर डॉक्टर ने पर्ची काटा है, ₹200 लिया। ₹200 रसीद दिया है आपको? रसीद दिया कि नहीं दिया? रसीद है सर, ₹200 की। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आपको उसके इलाज से
उसके प्लास्टर से लाभ नहीं हो सका है। फायदा नहीं। जी जी जी। और ये बच्चा कितने दिन उनके अंडर में रहा? ये बच्चा इनके अंडर 18 दिन। क्या आपका क्या नाम है भैया? और पीछे हो जाइए। ममता देवी नाम है। आप बच्चे की कौन है? बच्चे की माँ है। अच्छा, आपको डॉक्टर सुधीर ने राहत नहीं दिया? अच्छा, ऐसे दर्द हुआ करता है? दर्द होने लगता। अच्छा, अब आपको किसी डॉक्टर ने कोई सलाह दिया? किस डॉक्टर ने कहा? अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहे हैं कि अब आप कानपुर ले जाइए। अच्छा, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही कहें कि 25 दिन या इंतहा कहें। सर, इस बच्चे के पीछे मैंने जो है जी 3-4 हजार रुपए लगाए थे। अच्छा, यही सदर अस्पताल में? अच्छा अच्छा, आज दवाई आप बाहर से ला रहे हैं? आज दवा ये लिखते हैं, कल वो लिखते हैं, परसों मैं लाते लाते तंग हो गया। अच्छा, और एक ही दुकान से? एक ही दुकान के लिए लिखते हैं? नहीं, कहते हैं कि कभी उससे लाओ, कभी उससे लाओ, कभी उससे लाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ से सदर से अस्पताल से आपको कोई भी दवा नहीं दिया? अस्पताल से केवल ग्लूकोज और एक इंजेक्शन लगता था, बाकी कोई। आप देख रहे हैं प्राइवेट दवाओं के बल पर डॉक्टर सुधीर जी जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बच्चे को लंगड़ा करके छोड़ दिया, मजबूर कर दिया, विकलांग करने पर ये बच्चा आज मजबूर हो गया। इनके माता पिता बेचारे मजबूर हो गए और डॉक्टर सुधीर इनको विकलांग होने के लिए मजबूर कर दिया। जो इलाज भी किया वह भी बाहर से दवाई लिख करके लाने के लिए इन गरीब ब्राह्मणों को मजबूर किया। ये है नैतिकता। डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सीनियर हड्डी रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल फतेहपुर। इसी के साथ श्रवण कुमार तिवारी, फास्ट न्यूज इंडिया, फतेहपुर। नमस्कार। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दानगंज चौकी प्रभारी को सूचना लगते ही संतोष कुमार चौकी प्रभारी ब्रजभूषण अपने दलबल के साथ जरियारी गांव के प्राइमरी स्कूल के पास से अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी भागने की फिराक में था। वाराणसी से हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम वाराणसी के चोलापुर थाने में आए हुए हैं। हमारे चौकी प्रभारी यशो साहब, इन लोगों ने किसी मुजरिम पकड़े हैं और इनसे हम वार्ता करते हैं। कहिए सर। संतोष तिवारी, अपने हमराइयों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2019 कर रहा था कि जरिए को कोई सूचना मिली है जरियारी मोहनी डी गाँव से, जरियारी की तरफ एक आदमी पगडंडी पकड़ के कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर के आ रहे हैं। इसके तहत तत्काल में पहुंच करके छिप करके प्राइमरी पाठशाला है कोई भी जरियारी बाउंड्री वाल के नीचे छिपा हुआ, छिप करके जैसे ही सामने आया उस आदमी को हम लोग दौड़ा करके आया तो हम लोगों को देखा तो भागने लगा। उसको दौड़ा करके पकड़ा गया, पकड़ के नाम पता पूछा। उसके पास से 1 किलो 550 ग्राम नाजायज गांजा बरामद। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? ये गिरफ्तारी हुई है प्रदीप चौबे और सुजीत चौबे, पुत्र जोगिंदर चौबे, रुपचंदपुर के। 1 किलो 550 ग्राम नाजायज गांजा बरामदगी हुई, उनको गिरफ्तार कर और बरामदगी के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाती है। ये सभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रतापगढ़ में आसान नहीं है भाजपा की राहें, होंगी कांटे की टक्कर। छीटपुर में मायावती की जनसभा में उमड़ी भारी भीड़। एक मंच पर नजर आया है सपा बसपा के दिग्गज नेता। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र और अपने भतीजे के साथ प्रतापगढ़ पहुंची मायावती तो भीड़ देख हुई गदगद। मायावती का बयान, प्रतापगढ़ की जनसभा में बयान देकर नरेंद्र मोदी ने सपा बसपा गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश की है। मायावती ने पूरे संबोधन में राजा भैया का नाम तक नहीं लिया। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय पाल की रिपोर्ट। आदि काम में आने वाली है और इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं भरा है। क्या इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें? और इसकी मुख्य वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतापगढ़ में आज हार्दिक पटेल और शायर इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतापगढ़ के जीआईसी में कपलेट पर वोट देने के मामले में चुटकी ली। प्रतापगढ़ के कटरा गुलाब सिंह में कांग्रेस के दो फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी आए हुए थे। उन्होंने मंच से नरेंद्र मोदी पर जमकर वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रतापगढ़ के जीआईसी के परिसर में प्रधानमंत्री द्वारा इस बार कपलेट को वोट देने को कहा था। इस पर उन्होंने कहा कि हताशा में अपना चुनाव चिन्ह भूल गए और यहां कपलेट के लिए कह दिया, ये प्रतापगढ़ की धरती है, सच निकल ही जाता है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय पाल की रिपोर्ट। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तो आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ, रामपुर खास जो आपके परिवार, मैं वहाँ से पूरी ताकत लगा के भेजूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आई हूँ कि आप भी राजकुमारी रत्ना जी को पूरी ताकत से जिताइए। आपकी बार जी जीतेंगी तो आप केवल सांसद नहीं चुनेंगे, प्रतापगढ़ का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी आप सब। सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात से आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ और जो वादे 2014 में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जनता को दिए थे और तौर का तरीके से पूरे हिंदुस्तान को गुमराह करने का काम किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को पर प्रति साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज 2019 आ चुका है दोस्तों, ना प्रतापगढ़ के नौजवान को रोजगार मिला कि हताशा में कल अपना चुनाव चिन्ह भी भूल गए और यहाँ अपने उम्मीदवार के लिए कप प्लेट का रूप पहुंचे गए। ये प्रतापगढ़ की धरती, सच की धरती है, यहाँ आकर अच्छा सा अच्छा झूठा आदमी भी सच बोलने लगता है। तो वो इशारतन कह गए कि अब यहाँ हमारे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट मत दो, ढूंढे अगर कम लेट हो तो लोग दे दें उस पर वोट और ना हो तो फिर राजकुमारी रत्ना सिंह के हाथ के पंजे के निशान पर वोट दे दें, क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छी तरीके से कि बीजेपी की जमानत जन जन में जो आप सब उपलब्धियां। समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।